हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल विजय थापा यूबीसी मैं विजय थापा बैंगलुर से और ये रहा मेरा थप्पा सलाम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास हो दोस्तों आईपीएल का सीजन खत्म हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स कंग्रेचुलेशन टू यू और जो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हो आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ राइट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू गिविंग आपने जो प्यार दिया है मुझे बहुत ही थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट राइट हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके सामने लाया हों एक नया बैट नया बैट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और दोस्तों ये कोई यू नो अननोन कंपनी नहीं है जो मार्केट में किसी को पता नहीं इनके बैट्स ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अनबॉक्सिंग किया है वो है छावड़ा ब्लॉक्स का लेदर बॉल बैट और छावड़ा ब्लॉक्स का नॉन स्कूप बैट अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे हूँ उन वीडियोस के लिंक मैंने नीचे दे दिया ताकि आप लोग जा सके और देख सके दोस्तों छावड़ा ब्लॉक्स यू नो आपके लिए एक गजब का बैट लाया है मार्केट में आजकल जिसका चर्चा बहुत जगह पे हो रहा है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है ये लोग आपके लिए लाया है बहुत ही बजट फ्रेंडली बैट बहुत ही बजट फ्रेंडली वीडियो के एंड तक देखना वीडियो का प्राइस बताऊंगा मैं राइट दोस्तों देर नहीं करते इनके बैट का अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपके सामने कि ये क्या है दोस्तों मैं ऑलरेडी ये खोल चुका था ताकि मैं देख सकूं कि डिलीवरी के टाइम बैट में कोई डैमेज तो नहीं आया करके लेकिन कुछ नहीं हुआ थैंक गॉड पिछले बैट्स का जो अनबॉक्सिंग किया उसके मुकाबले इस बार का जो ये कवर है बहुत ही शानदार कवर दिया है पैडेड कवर है लेकिन चारदा ब्लॉक्स अगर आप एक ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ थोड़ा इसका हाइट कहीं तो यू नो ऊपर नीचे हो गया है ये पूरा लॉक नहीं हो रहा है अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आपको इसको ठीक करें और ये कवर तो ठीक है साइड में ही रहेगा लेकिन मेन चीज़ पर आते हैं मेन चीज़ पर इनका बैट है देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बैट है दोस्तों अगर कैमरा सामने लाएंगे तो हम अपने दर्शकों को दिखा दें ये ब्यूटीफुल छावड़ा ब्लॉग्स का बर्न एडिशन बैट दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही सारा बर्न एडिशन बैट चल रहे देखिए दोस्तों इसका अगर मैं साइड प्रोफाइल दिखा दूं आपको ये कश्मीर का ए वन प्योर ग्रेड का विलो है और ये देखिए दोस्तों फिर से इसका बैक प्रोफाइल जो यू नो बैट है और ये देखिए दोस्तों इसका साइड प्रोफाइल और ये देखिए एक बार इसका शेप जो डकबिल वाला शेप है हार्ड टेनिस के लिए है याद रखिए ये बैट आपके लिए हार्ड टेनिस है दोस्तों और दिखा देते हैं इसका थ्री पीस रबर केन हैंडल है ये देखिए सिंगापुरी केन हैंडल है बहुत ही शानदार है हाथ में आते ही दोस्तों मुझे तो ये कॉन्फिडेंस फील होता है कि ये बैट में मेरे हाथ में है तो बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही वेल बैलेंस है यू you नो know, आपको पता है कि मैं बहुत ही हैवी बैट से खेलता हूँ लेकिन ये जो बैट है मेरे हाथ में है लेकिन हीवी महसूस नहीं हो रहा तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना कि मुझे बैट का स्टैंड लेते हाथ में आते ये बैट मुझे पता चलता है कि मैं ज़रूर इससे छक्के मारने वाला हूँ बहुत ही शानदार और इसका शेप देखिए दोस्तों ना तो बहुत ही टेढ़ा है ना या ज़्यादा कर्व है कुछ है जितना होना चाहिए उतना है और दोस्तों ये जो छावड़ा ब्लॉक से यू नो बर्न ट्रेडिशन बैट है फ्लैट ब्लेड में है और इस बैट में देख रहा हूँ कि उन्होंने मेरे लिए थ्रेडिंग बनाया है टो गार्ड बनाया है और केमिकल टो गार्ड और बहुत ही आ, प्यारा सा बैट है तो मैंने बताया कि बैट का बैलेंस और इसमें ज़्यादा यू नो वेट नहीं है आइए देखते हैं इस बैट का वेट कितना है और उसके बाद में आपको मैं बैट का स्पेसिफिकेशन दिखाऊँगा ताकि आपको पता चले कि अगर आप ये बैट खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है ये देखिए दोस्तों ये है एक किलो एटी सिक्स ग्राम मतलब एक किलो आ, एक किलो अस्सी से नब्बे बीच है तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ के चलो चालीस से पचास ग्राम होता है मतलब आपका बैट एक्चुअली इसका वेट है एक किलो तीस ग्राम एक किलो चालीस ग्राम उतने में ही इसका बैट आता है लेकिन ये उतना भारी भी नहीं लगता मतलब बहुत ही बैलेंसड है अगर जब बैट बैलेंस होते हैं बहुत ही बैलेंस होते हैं तब आपको बैट का वेट पता नहीं चलता राइट right? दोस्तों देर नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसका लेंथ और विड्थ चेक करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये बैट कैसा है फ्रॉम द बॉटम देखिए दोस्तों तो गार, वो गार्ड सब लगाने के बाद इसका हाइट है थर्टी फाइव इसका जो ब्लेड है 24.5 और 10.5 इसका हैंडल है दोस्तों और अगर आप देखोगे इस बैट का वर्थ है 4.5 पॉइंट इसका वृथ है दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये कश्मीर विलो का ए ग्रेड का बैट है और ये 50 एम mm का है इसका थिकनेस और इसका टो तो देखते हैं 32 टू mm एम का इसका टो तो है मतलब एक हार्ड टेंस के बैट के लिए जो जो होना चाहिए वो सब कुछ है इस बैट में ऑन टॉप ऑफ द दैट इसमें बैलेंस बहुत ही बढ़िया है इतना बढ़िया बैलेंस कि आपको इसका वेट फील नहीं होता राइट दोस्तों और नहले पे दहला ये जो बैट है आपके बजट में आने वाला है कितना होने वाला है ये बैट मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के एंड तक बने रहें लेकिन उससे पहले मैं आपको टैपिंग दिखाना चाहता हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें कोई भी बॉल से खेले ये उसके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों ये ए प्लस का हार्ड टेनिस बॉल है ये देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं कोई भी यू you नो know, धक्का मुक्की नहीं एकदम शानदार सा टैपिंग ये रतन गोल्ड का बॉल वाह कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं ये देखिए दोस्तों मैं हर जगह इससे टैपिंग कर रहा हूँ तो एकदम शानदार सा शॉट जा रहा है एकदम बॉल उछल उछल के जा रहा है सिक्सर का हार्ड टेनिस बॉल ये देखिए दोस्तों वाह वाह बहुत ही शानदार राइट और ये देखिए दोस्तों ये विकी का बॉल है ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और ये देखिए दोस्तों और एक हार्ड टेनिस बॉल ये देखिए कुछ मेहनत करने की जरूरत है मैं हर जगह पूरे बैट पे टैपिंग कर रहा हूं ना तो स्वीट स्पॉट पे ही टैपिंग कर रहा हूं मैं हर जगह टैपिंग कर रहा हूँ ये देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार अभी निव्या का बहुत ही तगड़ा दोस्तों बहुत ही तगड़ा अगर दोस्तों हार्ड टेनिस बॉल ऐसे उड़के जा रहे हैं, तो मतलब सॉफ्ट टेनिस पे इसका क्या होगा मेरे पास रतन लाइट है जो 80 से 90 ग्राम के अंदर है वो वाला बॉल पे टैपिंग दिखा रहा हूं दोस्तों मक्खन लगता है दोस्तों मुझे तो बहुत ही बेहतरीन मक्खन लगता है ये देखिए वाव, वाव बहुत ही मक्खन एकदम शानदार दोस्तों छावड़ा ब्लॉग्स अगर आप उनके वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब यू नो बहुत ही इनफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं बहुत ही शानदार डालते हैं यू नो जैसे वो क्रिकेट ख़ुद खेल चुके हैं या फिर क्रिकेट के बारे में उनका बहुत ही नॉलेज है वो खुद एक ऐसा ब्रांड ऐसे बैट्स आपके पास लाना चाहते हैं ताकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कस्टमर वाला कॉन्सेप्ट है सो so, दोस्तों इस बैट जो ये वाला जो बर्न बैट है आजकल मार्केट में बहुत ही चर्चित है यू नो लोग बर्न बैट से खेलते हैं ये वाला बर्न बैट आपको मिलने वाला है कितने में दोस्तों ये बैट मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ दो हज़ार रुपए में दो हज़ार रुपए में आपको क्या मिलने वाला है एक तो बहुत प्यारा सा बैट मिलने वाला है उसके साथ आपको ये यू नो थ्रेडिंग किया होगा दोगा तो किया उसके साथ बैट कवर ये सारी चीज़ आपको मिलने वाला है सिर्फ दो हज़ार रुपए में राइट और इससे बढ़िया बात यह है कि आजकल ये बैट आपको कैश ऑन डिलीवरी पे भी मिलेगा आपको दो या तीन ही देने हैं और उस दो सौ या तीन सौ रुपये एडवांस देने के बाद बैट जब आपको डिलीवरी हो जाएगा आप रिमेनिंग अमाउंट आप यू नो डिलीवरी के टाइम पे कर सकते हो राइट ये होने वाला है बहुत ही शानदार धमाकेदार वाला ऑफर ऑल इंडिया डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवरी है आपके लिए अगर ऑल इंडिया डिलीवरी है तो आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है वेर इन आपको सिर्फ दो सौ रुपये एडवांस देने पड़ेंगे राइट दोस्तों जैसे मैंने बताया छापड़ा ब्लॉक सिर्फ ये टेनिस बैट से नहीं बनाते हैं अगर आप उनके वेबसाइट शारदा ब्लॉक्स डॉट कॉम पर जाओगे तो आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे जैसे यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में देख रहे हैं मैंने उनके लेदर बैट का अनबॉक्सिंग किया है वो है और उनका नॉन स्कूप हार्ड टेनिस बैट का अनबॉक्सिंग किया था वो है दोस्तों ये आपके लिए इंग्लिश विलो बैट्स यू नो लेदर बैट्स और कश्मीर विलो बैट्स आपको जो चाहिए मिल जाएगा अगर आप यू नो ड्रेस ख़रीदना चाहते हो ये जो प्यारा वाला ड्रेस मैंने पहना है अगर वो खरीदना चाहते हो आपके लिए आपके टीम के लिए सब कुछ मिल जाएगा दिस छापड़ा ब्लॉक्स इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्रिकेटिंग आपके सारे क्रिकेटिंग नीड्स के लिए छापड़ा ब्लॉक्स होने वाला है वन स्टॉप सोल्यूशन दोस्तों आपको शूज किड बैग ग्लव्स पैंट्स सब कुछ मिल जाएंगे आपको सिर्फ इन्होंने नीचे के दिए नंबर पर कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है या उनके वेबसाइट पर जाके चेक करना है राइट right? दोस्तों ये बहुत ही शानदार बैट है मैं तो इन बेताब हो रहा हूँ इस बैट से कब जाके ग्राउंड पे खेलूँगा अगर आपको भी ये बैट ऑर्डर करना है उनका फ़ोन नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डायरेक्टली छावड़ा ब्लॉक से जाके खरीद सकते हो ये वाला बैट और याद रखिए दोस्तों मैं सेल नहीं करता मैं सिर्फ रिव्यू करता हूँ और जब ये बैट रिव्यू कर रहा हूँ यू नो थोड़ा ऐसे हाथ लगा रहा था पीछे अगर छावड़ा व्लॉग्स आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा फिनिशिंग ठीक होना चाहिए क्योंकि अगर देखो हम हम खिलाड़ी हम लोग क्या करते हैं ऐसे हाथ से मलते हैं तो मलते वक्त यहाँ पर जो रफनेस है यहाँ पर जो छिलके हैं वो अभी तक पूरे नहीं गए हैं बर्न बैट होने का एक यही मकसद है कि जो भी ऐसे छिलके होते हैं वो सारे छिलके निकल जाते हैं अगर ये पे ध्यान दोगे तो एकदम सही रहने वाला है राइट दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहे ऐसे सपोर्ट देते रहे और यू you नो know, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट लाता रहूँगा दोस्तों मैं विजय थापा बेंगलोर से और ये रहा मेरा थापा सलाम